हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेडर। आज हम देखने जा रहे हैं हाफ एडर। हाफ एडर जो है एक अर्थमेटिक सर्किट है। ये अर्थमेटिक सर्किट होता क्या है, पहले हम आइए इसे जानते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिन सर्किट का हम यूज़ करते हैं उसे हम अर्थमेटिक सर्किट कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनमें से किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम जिस सर्किट का यूज़ अपने कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर में करते हैं उन्हें हम अर्थमेटिक सर्किट कहते हैं। और ये जो अर्थमेटिक सर्किट होता है ये हमारे कंप्यूटर के अर्थमेटिक यूनिट में होता है और यहाँ से ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इन्हीं अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है वो है एडिशन, जिसे करने के लिए हम जिस कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ करते हैं वो एडर कहलाता है। तो एडर जो है एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे बाइनरी बिट्स हैं उनको अगर हमें ऐड करना हो कॉम्बिनेशनल सर्किट के द्वारा तो हम एडर का यूज़ करते हैं। एडर कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, सीरियल एडर, बीसीडी एडर। आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं हाफ एडर को। तो आइए हम देखते हैं ये हाफ एडर किस प्रकार से एडिशन को परफॉर्म करता है और इसका जो सर्किट तैयार होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट या अर्थमेटिक सर्किट वो किस प्रकार का होता है। जैसा कि हमने जाना, नाम से समझ में आ रहा है कि हाफ एडर का यूज़ एडिशन के लिए किया जाता है। हम कंप्यूटर के द्वारा बाइनरी बिट्स जो हमें इनपुट मिलते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। बाइनरी एडिशन से हम भलीभांति परिचित हैं। किस प्रकार से बाइनरी एडिशन करते हैं इसे आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो बाइनरी एडिशन परफॉर्म होता है सर्किट के माध्यम से किस प्रकार से परफॉर्म होता है। तो अगर हम हाफ एडर के लॉजिक सिंबल की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। माना ए और बी इनपुट है। यहाँ हमने ए और बी को इनपुट क्यों लिया है? ए और बी को इनपुट इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा हाफ एडर होता है वो दो बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। दो बाइनरी बिट को अगर हमें ऐड करना हो तो हम हाफ एडर का यूज़ करते हैं। और इसमें जो हमारा एडिशन होता है, दो बाइनरी बिट का जो एडिशन होता है इसमें एक हमारा रिजल्ट जो जनरेट होता है, आउटपुट जो जनरेट होता है वो होता है सम का और दूसरा जो आउटपुट जनरेट होता है वो कैरी का। कैरी किस केस में जनरेट होगा? जब हमारे दोनों, जो हमारा एक इनपुट है, अगर हमारा दोनों इनपुट हाई हो तो कैरी जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है आइए हम इसे समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाफ एडर दो बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका अगर हम लॉजिक सिंबल ड्रॉ करेंगे तो माना दो बिट्स मतलब ए और बी दो इनपुट है, ये एक हमारा हाफ एडर है और इससे जो आउटपुट जनरेट होगा, दो आउटपुट जनरेट होता है, एक आउटपुट जो शो करता है सम के लिए और जो दूसरा आउटपुट शो करता है वो कैरी के लिए। एक सम के लिए होता है और एक कैरी के लिए जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका लॉजिक सिंबल देखा कि दो इनपुट है और एक सम जनरेट होता है और एक कैरी जनरेट होता है। इसे हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। इसका हाफ एडर का जो ट्रुथ टेबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। चूँकि यहाँ दो इनपुट हैं, हमारे इनपुट्स हैं इक्वल टू टू, देयरफॉर टू टू द पावर एन का जो फॉर्मूला है उससे हमारा जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा ट्रुथ टेबल का, टू टू द पावर टू इक्वल टू फोर कॉम्बिनेशन तैयार होगा। तो एक हमारा हो गया, यहाँ हो गया इनपुट और यहाँ हो गया हमारा आउटपुट। इनपुट कौन कौन से हैं हमारे? दो इनपुट है ए और बी, कॉम्बिनेशन हमारे तैयार हो गए हैं चार। तो कॉम्बिनेशन लेने का, चार कॉम्बिनेशन लेने का तरीका हम जानते हैं। पहले के लिए हम दो बार जीरो दो बार वन लिखेंगे, दूसरे के लिए जीरो वन लिखेंगे। अब यहाँ जो आउटपुट जनरेट होगा एक सम का आउटपुट जनरेट होगा और एक कैरी का आउटपुट जनरेट होगा। तो कैरी बिट जो जनरेट होता है हाफ एडर के माध्यम से, हम बाइनरी एडिशन में जानते हैं कि जब दोनों बिट, दोनों इनपुट जो है हायर हो, वन वन हो, तब आपका कैरी जनरेट होता है, अदरवाइज आपका कैरी जनरेट नहीं होता है दो बिट के एडिशन के लिए। तो यहाँ पर जीरो और जीरो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आउटपुट? जीरो।
और कैरी भी जीरो। जीरो वन के लिए जीरो और वन ऐड होगा तो वन, कैरी जीरो रहेगा। वन जीरो के लिए वन, कैरी जीरो रहेगा। वन और वन का एडिशन जब होता है तो उस केस में सम में आता है जीरो और कैरी आ जाता है वन। तो इस कैरी को यहाँ हमने देखा कि तीनों कॉम्बिनेशन में हमारे जीरो जीरो ही आ रहे हैं, पर एक कॉम्बिनेशन में हमारा वन आ रहा है तो उसके लिए हम एक कैरी रखते हैं। तो इस प्रकार से हाफ एडर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दो बाइनरी बिट के एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो सम है इसका जो इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। और जो कैरी का इक्वेशन तैयार होता है वो तैयार होता है ए इंटू बी। यहाँ हमारे ए इंटू बी जो है कैरी के इक्वेशन को प्रदर्शित करता है, और ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक्सक्लूसिव और का आउटपुट है, तो ये जो है सम को प्रदर्शित करता है। तो हाफ एडर के लिए सम और कैरी का इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से होता है। अब इसका अगर हम लॉजिक सर्किट तैयार करना चाहे तो हम तैयार करके देखते हैं एंड, ये जो है हमारा बेसिक जो गेट्स हैं हमारे एंड और नॉट, तीनों गेट के माध्यम से इन दोनों के जो लॉजिक सर्किट तैयार होंगे वो कुछ इस प्रकार से तैयार होंगे। तो सम के लिए पहले हम देखते हैं, सम के लिए हमने देखा यहाँ हमारे जो वो है सम और कैरी दोनों के लिए हम देखेंगे यहाँ पर लॉजिक सर्किट को। तो सम का जो है माना दो इनपुट है, हम इनपुट यहाँ लेते हैं ए और बी। तो ए और बी जब हमने इनपुट लिया तो आउटपुट आया ए इंटू बी, क्योंकि हमने क्या किया है ए और बी के बीच में कौन सा गेट लगाया है, इंटू मतलब एंड गेट लगा है, हमने यहाँ एंड गेट लगाया और हमारा आउटपुट आ गया ए इंटू बी जो कि किसका आउटपुट है, कैरी का। अब इसी ए और बी को हमको सम के लिए इक्वेशन को प्राप्त करना है। तो पहला जो टर्म है ए बार इंटू बी, मतलब ए में बार है, मतलब ए में नॉट गेट लगाया गया है और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमने एक इनपुट यहाँ ए से लिया ऊपर और यहाँ हमने लगा दिया एक नॉट गेट, तो ये बन गया ए बार। और हमको दूसरा इनपुट चाहिए बी, तो हमने ले लिया बी और दोनों के बीच हमने लगा दिया एंड गेट, तो ये बन गया हमारा ए बार इंटू बी। दूसरा जो टर्म है वो है ए इंटू बी बार, तो इसके लिए हमने लिया ए और बी बार, मतलब बी में हमारा नॉट गेट लगेगा, यहाँ हमने बी में क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो ये हो गया आपका एंड, फिर उसके बीच एंड गेट लगा दिया, तो ये हो गया बी बार है और ये ए है, तो ए इंटू बी बार। और दोनों के बीच में हमारा प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मतलब और गेट है, तो हमने यहाँ लगा दिया और गेट, तो हमारा आउटपुट आ गया ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार जो कि सम के इक्वेशन को प्रदर्शित करता है। तो बेसिक गेट के माध्यम से हमने हाफ एडर का लॉजिक सर्किट देखा, ये हमारा हाफ एडर का लॉजिक सर्किट है जो सम और कैरी के इक्वेशन को प्रदर्शित करता है। और इसे ही अगर, चूंकि ये ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार एक्सक्लूसिव और को प्रदर्शित करता है, तो अगर हम एक्स और गेट और एंड गेट के माध्यम से देखेंगे तो जो हमारा सर्किट तैयार होगा वो इस प्रकार से होगा। एक्सक्लूसिव और है, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल हमें पता है, दो इनपुट है ए और बी, एक्सक्लूसिव और का सिंबल होता है ऐसा, जो कि आउटपुट देता है आपका ए इंटू ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। तो ये हमारा हो गया सम का इक्वेशन, और यही ए और बी मिलकर एंड गेट से जब निकलेंगे तो ये दे देंगे कैरी के इक्वेशन को। तो यहाँ हमने देखा हाफ एडर किस प्रकार से यूज किया जाता है और हाफ एडर का उपयोग दो बाइनरी बिट को एडिशन के लिए किस प्रकार से यूज करते हैं, उसका हमने लॉजिक सिंबल देखा, उसका हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखा, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर उसका सर्किट डायग्राम देखा बेसिक गेट के माध्यम से और एक्स और गेट और एंड गेट के माध्यम से। तो अगर एग्जाम में हाफ एडर पूछा जाता है तो आपको इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा।